Brown daughter, I am Janvi Tiwari and I am vlogging today. आज है 27th November and मैंने सोचा let's start the vlog. तो आज मुझे थोड़े बहुत काम करने हैं. I have to start packing. I am going on a bachelorette and I am super excited about it. I don't want to tell the location right now. Maybe जब आप ये video देख रहे होंगे तब तक आपको पता चल गया होगा. But anyways, मुझे उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी करनी है and दीदी is already on vacation, so दीदी is not in Surat. I am going to join her on 30th. आज है 27th, तो मेरे पास 3-4 दिन है to pack and everything. Also, I'm going to be taking my first ऐसे international flight alone. So I'm excited about that. हम ना बहुत सारे influencers जा रहे हैं bachelorette पे, तो I'm excited. So for the bachelorette, I have shopped bunch of things. I have got this parcel from Zara जो मैंने sale पे order किया था. So let's open this. Also guys, आज ना मुझे nails भी करवाने हैं मेरे and I have to also get a little bit of waxing done क्योंकि मेरे पास कल टाइम नहीं होगा और परसों भी टाइम नहीं होगा. कल मुझे एक 24-hour long वीडियो बनानी है and परसों I have to film bunch of short form content before we go. Things are very hectic. We have to pre-film our videos and everything, so I'm supposed to do that. Also guys, I'm vlogging in my new phone. I got this phone from one of my friend who was coming from US and this is 1 TB, so I'm very happy because मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फुटेज स्टोर वगैरह करने में. सो आई एम हैप्पी विद दिस वन. ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव इन हियर. ओ नाइस, आई हैव अ बॉडी सूट राइट हियर इन ऑरेंज कलर एंड आई हैव दिस बॉडी सूट इन लाइलैक कलर व्हिच आई वांटेड इन व्हाइट बिकॉज ब्रांड्स लव व्हाइट टॉप्स. व्हेनेवर वी आर डूइंग सम कोलैबोरेशन और पेड पार्टनरशिप, दे जस्ट नीड व्हाइट. आई हैव वन मोर बॉडी सूट, दिस इज फुल. तो जब भी कहीं पे भी स्विमिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, स्नॉकलिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, यू कैन वेयर दिस सो दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल. एंड देन वी हैव द हील राइट हियर. ओ वाओ, दिस इज द वेजेस दैट आई हैव ऑर्डर्ड एंड आई डोंट नो व्हाई आई डोंट वेयर सच काइंड ऑफ हील्स बट नाउ आई थिंक आई विल. ऑल्सो कल ना मैं सीढ़ी पे बहुत तेज गिर गई और मुझे बहुत तेज लग गई है मेरे पाँव में. बाय द वे, दे विल लुक सो गुड विथ अ ड्रेस. दे आर सो क्यूट एंड कम्फर्टेबल. ओके, दैट्स हाउ दे लुक. आई थिंक आई शुड हैव ऑर्डर्ड द साइज 36. ये एकदम थोड़ी सी बड़ी है. लेट मी ट्राई द टॉप्स नाउ. Guys, that's how the first body suit looks. मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है. And that's how the white one looks, super basic. And that's the blue one. Guys, done with the work. And मैंने एक लिस्ट बनाई है इंग्रीडियंट्स की जिसकी मुझे शॉपिंग करनी है. बट एनी वेज आगे बढ़ते हैं. आई हैव टू गेट कर्टेन बैंग्स डन. आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू लुक ऑन मी बट आई थिंक इट विल लुक गुड. आई एम वेरी नर्वस बट ठीक है. आई एम गोइंग टू गेट माई कर्टेन बैंग्स डन लाइक दिस लेंथ मे बी. सो लेट्स गो एंड आई एम हियर टू गेट माई नेल्स डन. You all, nails are done. They look fab and this is the only color that I go for. I just love it. This is like a deep red, burnt red, mostly like wine shade jaisa, but yeah, I'm obsessed with the shade. So I got this done and abhi main aayi hu ek grocery store pe kal ke video ke ingredients lene. So let's go, let's do this. Guys, kal na main seedhi pe jo gir gayi thi uske wajah se I'm not able to walk. Guys, got sabzi as well. Now let's go get the curtain bangs done. तो मैं जहाँ से करवाती हूँ सूरत में हेयर कट, दैट प्लेस इज क्लोज. सो आई हैव वन मोर ऑप्शन. नाउ आई एम थिंकिंग इफ आई शुड गो और नॉट. चली जाती हूँ, जोगी देखेंगे. ओके गाइज, अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे और अभी ज्यादा समझ भी नहीं आ रहा क्योंकि विल हैव टू स्टाइल इट वेल. प्लस मैंने हेयर वॉश नहीं करवाया क्योंकि लेट हो गया था. कल मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं. अभी तो स्टूपिड लग रहे हैं ऐसे, बट विल हैव टू कंटिन्यूअसली कर्ल देम एंड मेक देम लुक प्रिटी. बट या, आई थिंक दे लुक गुड. बैक होम चेंज्ड एंड दैट्स माय आउटफिट. ये ना दीदी का नाइट सूट है जो मैंने पहन रखा है, सुपर कम्फर्टेबल. अभी मैं करूंगी मेकअप रिमूव एंड स्किन केयर, सो लेट्स डू दैट. Hey
मेकअप रिमूव कर लिया है एंड नाउ फॉर द सीरम आई विल बी यूजिंग प्लम 10% नायसिनमाइड फेस सीरम विद राइस वाटर। मैंने इसके बहुत सारे बॉटल्स पहले ही एम्प्टी किए हुए हैं और अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करो तो आपको पता होगा आई रियली लाइक दिस ब्रांड प्लम। दे आर 100% वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री मेकअप स्किन केयर बॉडी केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये लोग। सो इस सीरम में है 10% नायसिनमाइड विच ब्राइटन्स द स्किन एंड फेड्स ब्लेमिशेस, राइस वाटर एंड फर्मेंट एक्सट्रैक्ट जिससे स्किन बहुत ब्राइट एंड स्मूथ होती है। जस्ट लुक एट द टेक्सचर, दिस मिल्की गुडनेस इज टू गुड। आई लव हाउ इट मॉइस्चराइजेस माय स्किन सो वेल, माय स्किन फील्स सो गुड। मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ सोने के लिए, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रैश नाउ क्योंकि कल भी मेरा बहुत लंबा दिन होने वाला है। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू लिंक माई फेवरेट सीरम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट आउट एंड थैंक यू प्लम फॉर पार्टनरिंग विद अस इन दिस वीडियो। सो मैं आपको मिलती हूँ कल या फिर परसों। ओके बाय। One day later. Hello everyone. Good morning. It is the next day. कल मैंने बहुत सारी कुकिंग की और मजा आ गई वो वीडियो बना के। अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने। It is 10:30 right now and I have to pack today. Like finally pack today. So yeah, I am excited and I've just come in my balcony to look at my plants because it feels good to वैसे वैसे plants को देखो and just water them, talk to them a little. But right now I'm running late to start packing. Basically nothing else. So I'm going to take shower, have breakfast and start our day. And done with the shower, I'm wearing this really cute orange color ki dress. Plus skincare is also done. So chalo. Mama, good morning. Good morning. Good morning. Dekh lo, main kal ja rahi hu. देखो सुबह से ये जलाने वाले काम कर रही हूँ। मैडम जल्दी आ जाएंगे, मैं और दीदी दोनों। तो डेट पे ही तो टिकट है, जल्दी कैसे आ जाओगे? कितना दस दिन जल्दी होते हैं? दस दिन जल्दी नहीं होते, मुझे क्यों ऐसे छोटे बच्चों जैसा मुझे बहला रहे हो? अब ये बताओ, अगर दस दिन मैं इस घर में नहीं हूँ तो आप दस दिन रह लोगे? सच बताओ। नहीं, मम्मी अगर मंदिर भी चली जाती है, सुबह उठती मम्मी नहीं होती। आई एम लाइक मम्मी कहाँ है, मुझे सुबह मम्मी। आप रियलाइज करो अपने ऊपर। Okay guys, I'm back in my room. Let's start picking up the outfits. Chalo. Guys, I'm doing the outfit trials here and my closet is already a mess. But I like this dress. Super cute and comfortable. Guys, I don't know why I've not worn this dress a lot, but looks so good. I'm midway packing. Please ignore the way I look. I've tried I don't know how many outfits by now, but I think we are getting there. I don't know, aaj bahut zyada difficult ho raha hai mere liye pack karna. I am not able to understand. Plus I want to pack thoda sa hi, so I'm just very picky with what I am keeping. It is right now 1:58. I'm supposed to have lunch, so let's go. Let's have lunch. Guys, we have kadhi, we have rice, we have sabzi, roti. द प्लेस वेर आई एम गोइंग वहाँ पे बहुत ज्यादा नॉन वेज फूड मिलता है विच आई एम नॉट रियली हैप्पी अबाउट बट ठीक है। आई लव दिस आउटफिट। आई वोर दिस लॉन्ग बैग जब अनुव जैन परफॉर्म्ड इन सूरत एंड आई वोर दिस एंड आई वॉन्टेड टू वेयर दिस समवेयर ऑन वेकेशन एंड फाइनली आई विल। Guys, I sent 10 images to my sister and that's how she replies, nice, okay, beach ke liye saras. नहीं नाइस, टॉप और किसी के साथ पैर कर, नाइस, नो, लुक्स हॉट। इफ योर सिस्टर इज नॉट डूइंग दिस, व्हाट इज शी डूइंग? गाइस, लुक एट दिस आउटफिट, वेरी कंफर्टेबल। ऑलमोस्ट डन विथ ऑल द ऐसे सिलेक्शन ऑफ द आउटफिट्स, नाउ आई जस्ट हैव टू पुट इट इन द बैग, सो लेट्स डू दैट। गाइस, शाम हो गई और मम्मी आए हैं अब। Mess as usual and I am heading out. I've changed into this cute dress. I'm going to Zara. I need a pair of heels. Then I will be going to get some snacks. Thoda instant food lena hai mujhe and then I will be going to the gym. So let's go. Also, sari packing ho chuki hai hamari. Like sab kuch ho gaya hai. Made it to VR Mall. Christmas is here. चलते हैं जिम।
Hi guys, everything is done. You know, you feel a little anxious the next day. You have to travel. I'm feeling that. Plus, like this is like Didi hamesha mere saath hoti thi whenever I'm taking a flight internationally. So I'm a little nervous about it. I know I can do it. I'm just a little worried ke sab kuch theek jayega ya nahi. That's all. And now I'm going to take shower. I want to wash my hair because my hair are very oily from the scalp. So I'm going to wash it and then I'm going to see you all tomorrow morning directly. Okay, bye. Hi guys, good morning. It is the next day. I got up an hour ago, but I was just doing thoda sa kaam. That is also done. Now I'm just having chai and I will be leaving. Mama aur mama mujhe chhodne ja rahe hai. So plus I've not done any makeup right now. Kyunki main Mumbai jaake karungi. Mere ko thodi skin ko aise breathe karne dena hai and not put on some makeup. Our chai is here aur mujhe katori bhi di gayi hai kyunki main bahut thandi chai peeti hu. Itni garam mujhse pee nahi jaati. आंटी बहुत दुखी हैं आज उनकी दोनों बेटियां नहीं होंगी अब मम्मा गुड मॉर्निंग गाइस आंटी इज ऑल रेडी टू ड्रॉप मी टू रेलवे स्टेशन पूरे टेन डेज है 10 डेज यूं चल जाते हैं यूं ओम पापा गाइस हियर टू से पापा बाय गाइज मम्मी गॉट मी खमनी मम्मी चम्मच और प्लेट भी दिए वाह वाह थैंक यू खमनी इज वन ऑफ माय फेवरेट गुजराती परसा आई फील सो बैड मुझे ना थोड़ा जुकाम हो गया है और मेरी आवाज भी बहुत ज्यादा बदल गई है मुझे कफ भी हो रखा है जुकाम भी हो गया है और बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे आई हैव ऑर्डर्ड सम सांभर राइस या रसम राइस कुछ तो मैंने मंगवाया विच इज गोइंग टू बी हियर सो आई एम गोइंग टू हैव माई फूड रेस्ट अप अ लिटिल एंड देन वी विल गो टू द एयरपोर्ट बोला नहीं जा रहा मुझे आई रियलाइज आई कांट डू अ लॉट ऑफ एसी मुझे बहुत ज्यादा एसी नहीं चलती है और मुझे डस्ट भी नहीं चलती है तो बहुत नाजुक कली हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ बाय द वे ऑल्सो गाइज मैं ना वो येलो वाला बैग नहीं लेके आई तो आई डोंट वांट टू टेल आई लिव ऑन सम फ्लोर और हमारे इसमें वो नहीं है लिफ्ट नहीं है तो मुझे चढ़ाना पड़ता तो मैं नीचे रख के आ गई क्योंकि शान भी आएगा वो उठा के ले आएगा मेरे लिए वाई शेल आई डू इट डोंट जज मी ओके एंड दैट्स आवर लंच वी हैव राइस सांभर थोड़ा सा रसम एंड अ पापड़ आई एम नॉट अ पर्सन who eats on the bed but Mumbai wale ghar mein we do it kyunki floor thoda sa ganda rehta hai usually and we don't have a lot of space like Surat mein we have a dining table and everything here we don't so guys my bag and my brother both are up guys the feeling of having cold and drinking something hot wah काफी लोग ना हमारी वीडियोस कुछ खाते पीते देख रहे होते हैं आप क्या खा रहे हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज आई हैव चेंज्ड आई एम वेयरिंग दिस कॉटन शर्ट विच हैज अ लिटिल बिट ऑफ ऐसे वर्क आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग दिस आई एम गेटिंग रेडी फॉर द एयरपोर्ट गाइज आई एम ऑल रेडी लेट्स गो मेरा सामान भी पूरा पैक हो गया है मैंने थोड़ा सा खोला था एंड द कैब इज ऑल्सो कमिंग एंड गाइज हियर वी आर एट द एयरपोर्ट I am feeling a little overwhelmed right now to be honest like I always wanted this Guys done with everything I have bunch of time aur mere samne car khadi hai I am very curious ye aayi kaise yahan pe this is too good मलेशिया राइट नाउ एंड हमारी आधे घंटे में फ्लाइट है टू बाली आई एम सुपर एक्साइटेड द जर्नी वॉज गुड मतलब अभी इंडिया के 5:30 बज रहे होंगे 11:30 बजे हमने टेक ऑफ किया था सो नींद तो पूरी नहीं हुई है बट ठीक है कोई बात नहीं गाइज वी आर इन बाली मेरा भी इमिग्रेशन बाकी है बट आई हैव पेड 33 USD एंड Now
आई सी यू गाइज वंस आई एम डन विद ऑल द प्रोसीजर. बैग मिल चुका है हमें एंड अब हम करते हैं कैब एंड लेट्स गो टू एन एयरबीएनबी. तो मैं कल दीदी से मिलूंगी. आज आई एम गोइंग टू स्टे एट एन एयरबीएनबी क्योंकि दीदी इज़ एट गिली आइलैंड और गिली आइलैंड में इस टाइम मतलब जिस टाइम पे मैं लैंड हुई उसके बाद एक भी फेरी नहीं चलती है. सो आई हैव टू स्टे अलोन टुडे. Please ignore the way I look, but let me show you all the property. So यहाँ से आप अंदर आओगे like this, this door, and we have a plant here. और यहाँ पे आप walk करोगे तो सबसे पहले आपको kitchen दिखेगी. पहले तो देखो कितनी ज़्यादा cute है यार ये kitchen. And you all know I love this wooden thing. Wow, it is so cute. And then you move ahead. Here is थोड़ा सा sitting area. Again light beige wooden white. And then we have the TV here. One more plant. This amazing mirror and यहाँ पे वॉशरूम. I didn't check the washroom yet. Oh, washroom is also nice. काफी raw है. काफी अच्छा लग रहा है. स्मेल भी अच्छी आ रही है. एंड देन हियर वी हैव द बेड. पहले तो बेड बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है और बहुत प्रिटी लग रहा है. एवरीथिंग इज व्हाइट. ओ वी हैव वन मोर एरिया. वाओ सोलो जानवी इज हैविंग फन गाइस दीस डेज. एंड देन देयर इज दिस एरिया वेयर यू कैन जस्ट सिट chill around and this connects I guess somewhere. और बाहर का कुछ ऐसा लग रहा है. ऑल्सो गाइज ये Airbnb मुझे पड़ा है 3,000 रुपए का. 3,000 रुपए का. वेरी गुड फॉर 3,000 रुपीज. लाइक वेरी कम्फी, वेरी क्लीन, वेरी कोजी. द प्लेस इज वेरी नाइस, वेरी क्लोज टू हार्बर. आई लुक सो बैड. आई नीड टू क्लीन माई सेल्फ अप. आई एम गोइंग टू टेक अ लॉन्ग शॉवर एंड देन लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई हैव टू वर्क अ लिटिल. आई हैव टू फिल्म अ वीडियो फॉर अ ब्रांड. गाइज शोइंग आंटी जी द प्लेस और मैंने पूरा अंधेरा भी कर दिया है. मम्मी याद आ रही है मेरी. How cute, mama. I just removed my makeup and I don't think so I'll be able to go out today क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है. मुझे अभी एक टू डू लिस्ट आई है शान भैया से which I have to complete. So I'm going to do that and also I'm very tired. So I'm just planning to just take a good shower, stay in, eat something and go to sleep because tomorrow I have to start early morning. I have to wake up around 5:30 or 6:30 because I have a ferry to Gili Island. So yeah. Now I'm going to see you all once I am done with the shower. The feeling of being all clean is so good. Hair wash कर लिया, skin care कर लिया and now I feel good. I will make something थोड़ी देर में. अभी मैं chips ही खा रही हूँ. So yes, and I'm editing a video and उसके बाद I'll watch something on Netflix and sleep. Good day. गुड मॉर्निंग एवरी वन. आई जस्ट वोक अप. मेरा गुड मॉर्निंग तो वो असेंबली वाला साउंड कर रहा था पता नहीं क्यों. बट एनी वेज गुड मॉर्निंग. आई जस्ट वोक अप. इट इज 7 o'clock. 7:30 आई हैव टू लीव. देयर इज वन गाय इन बाली जिन्होंने हमें हमेशा हेल्प की है इधर से उधर करने में. गस्टी. सो ही इज कमिंग टू पिक मी अप. वी ऑलवेज चूज हिम फॉर दी कैब्स एंड ऑल. सो ही इज गोइंग टू कम पिक मी अप एंड टेक मी टू हार्बर जहाँ से मुझे गिली जाना है. सो या लेट्स गेट रेडी. आई एम नॉट to take shower क्योंकि कल शाम को I just cleaned myself एकदम मस्त and then I got in the bed. So I'm just going to change to my makeup. और कुछ खा पी लेते हैं and let's go. Okay guys, that's my outfit. I'm wearing basic beige pants with a white tank top and this thing जिसके अंदर मैं फोन रख सकती हूँ. मेरे पास दो फोन होते हैं और दोनों हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाता है. And let's go. Bye bye to this amazing Airbnb. I'm going to miss it. But ठीक है, on to next thing. गाइस मैं हार्बर आ चुकी हूँ. आई गॉट माय कार्ड एज वेल. हाय. ओह गाइस वी आर इन द बोट. आई हैव अ हैबिट ऑफ सेइंग वी इवन दो आई एम अलोन. एंड गाइस आई एम एट गिली पी. सो प्रिटी. नो मोटरसाइकिल्स, जस्ट साइकिल्स. गाइस लुक, हियर इज माय सिस्टर. गाइज यहाँ पे तो कुछ खाने के लिए है नहीं तो हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे कुछ खाने के लिए जहाँ पे हमें थोड़ा इटालियन मिल जाए. बिकॉज आई हैवंट हैड गुड फूड जब से मैं घर से बाहर निकली. तो मैंने बताया इतने टाइम बाद व्लॉग देखा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है. आई फील आई एम बैक होम. दीदी वाज नॉट व्लॉगिंग एट ऑल. मैं चार दिन मैंने व्लॉग नहीं किया, चार दिन मैंने काम नहीं किया, चार दिन की मेरी छुट्टी थी एंड आई मिस्ड इट सो मच.
गाइस वी हैव कम टू दिस प्लेस इटालियानो। मेरी स्पेगेटी आ गई है जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है और दीदी की भी आ चुकी है। यम। मौसम एकदम बदल गया है, इट्स टू विंडी, क्लाउडी, अब बारिश होगी। हमने कर लिए फोर स्टार्ट और हम जा रहे हैं विला पे एंड इट इज रेनिंग अ लॉट। गाइस हम हमारे विला में आ चुके हैं। इनका लॉक तो बहुत क्यूट है, इट इज सो क्यूट। ये केटल देखो, यहाँ पे भी है, कल भी थी, सो दैट्स द प्लस। यहाँ पे दीदी का सामान पड़ा है, ये नहाने का खुला है गाइस, इनका शॉवर एरिया ये देखो, एंड देन वी हैव द पूल। गजब घर बनाते हैं गाइस, इधर पांव धुलने के लिए अलग नल लगाए इन्होंने। नाइस, पूल तो बढ़िया लग रहा है। ओ वाओ, ठंडा भी नहीं है बट बहुत डीप लग रहा है ये। हाँ, मैं डूब जाऊँ इतना है ना। और यहाँ पे थोड़ा सिटिंग एरिया है, ये थोड़ा ऐसे व्यूअर से आइए, ऊपर चलते हैं गाइस। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, तभी भी कुछ ऐसा ही ट्री हाउस जैसा ही था। यहाँ पे फुल लेंथ मिरर है। गिरती मैं। ओ वाओ, ये हमारा रूम है। बस दैट्स द बेड। काफी अलग है, मतलब नॉट नॉर्मल, विच आई लाइक। वी हैव वॉशरूम हियर, देखो सभी कुछ बहुत अलग है यहाँ पे यार। और ये देख, खिड़की के व्यू के साथ आप अपना धंधा कर सकते हो। अरे ये कट कर देना यार, इस चक्कर में फिर काम नहीं मिल पाता है, मैं गरीब रह जाऊंगी फिर। एंड देन देयर इज वन मोर। नाइस, ये देख यहाँ पे ना, ये बहुत इनका अलग एस्थेटिक है यार, लाइक दिस इज नॉट दैट सेज टाइप, ये अलग है, रॉ जूना पुराना, थोड़ा बंगा टाइप। हाँ ये शॉर है। हाँ भाई, ये तो बहुत सही है। This looks amazing. और हम दोनों काफी ट्विन कर रहे हैं, इस पे सब हंस रहे हैं क्योंकि इसको स्विमिंग नहीं आती। तो बोल, क्लासेस में तो डाला था। My mother only sent her to swimming. She is lying. No. She was also there, but she is very dumb. Guys, हमें ये पाँव दिए गए हैं मछलियों वाले, फिन्स मिल गए हैं हमें, और अब हम जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है बारिश हो रही है तो पानी जो है वो होगा हल्का सा वार्म, तो आपको बहुत मजा आएगी ऐसा ये लोग कह रहे हैं। द सैंड इज सो व्हाइट दैट माय स्किन टोन लुक्स मच डार्कर। ये है हमारी बोट, चलो। Guys, I am back and the sunset looks so pretty. This is what I mean when I say I want to go on a vacation. Welcome to Gopali's life where she looks for veg ramen everywhere. इधर मिल गया था, मैंने लिया, मैंने खाया हुआ है। अच्छा, अभी नहीं है। Hi. Umar. Oh shit. This weird shit that I do and post it on my YouTube. Hi guys, good morning. It is the next day. हमने पोर्ट ली, वापस आ गए हम कोटा में, और अभी मैं और दीदी थोड़ी फ्रूट्स ले रहे हैं। आम बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा एकदम शहर। गाइस यहाँ पे बहुत सारी लोकल चीजें मिल रही हैं, अगरबत्ती यहाँ पे बहुत चलती हैं, तो बहुत सारी अगरबत्तियाँ हैं। हमने 37,000 के फ्रूट्स लिए हैं, सब कुछ एक एक लिए, तो भी 37,000 का हो गया है। 37,000 हम हमारे एयरबीएनबी की तरफ बढ़ते हुए। पता है भाई, इधर प्लान करके मतलब प्लान करके बहुत महंगा मिलता है, ऐसे बहुत सस्ता मिल जाता है, अनप्लान सस्ता मिलता है, प्राइस पे मिला है। और मैंने भी वो 3,000 वाला जो किया था वो भी बहुत सस्ते पे मिला था। भाई ये कितना क्यूट है, मैं तो जा रही हूँ इस खाना खा के पूल में। सो हम यहाँ से एंटर करते हैं, वी हैव गार्डन हियर, पूल हियर, वहाँ पे दो चेयर पड़ी हुई हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। ओके गाइस, सो यहाँ से हम एंटर करते हैं और ये है लिविंग एरिया, बहुत ब्राइट है और बहुत सुंदर है। सो यहाँ पे सोफा वोफा है, यहाँ पे है डाइनिंग टेबल, एंड हियर वी हैव अ ब्यूटीफुल किचन। लव द एस्थेटिक्स हियर, किचन है और सारी चीजें। और ये केटल यार, ये केटल लेके चलते हैं भाई, बहुत ही मस्त है। यहाँ पे वी हैव रेफ्रिजरेटर एंड देन वी हैव अ रूम हियर। सो ये है हमारा रूम, वी हैव वेरी ब्यूटीफुल बेड, वेरी ब्राइट दिस प्लेसेस, एंड वी हैव अ वैनिटी एरिया जहाँ पे आप तैयार व्यार हो सकते हो, और ये भी आपको बाहर से कनेक्ट करता है। वी हैव कबोर्ड जिसके ऊपर ऐसे फुल लेंथ मिरर टाइप चीजें हैं, एंड देन वी हैव द वॉशरूम हियर, प्रीटी गुड क्लीन। और ऐसा ही एक और रूम है बाहर, ये हमें पड़ा फॉर रुपीज
6,000 ओनली लास्ट मिनट बुकिंग पे हमें 50% ऑफ मिला। सो मैं और दीदी तो अब सोच रहे हैं हम सिर्फ लास्ट मिनट बुकिंग करेंगे गाइस, और मेरा बहुत मन कर रहा है पूल में जाने का भी। तो आई थिंक हम शायद कुछ खाना यहीं ऑर्डर करेंगे और फिर पूल में जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं उसका। गाइस आई एम गेटिंग इन द पूल, और देखते पानी ठंडा है क्या। नहीं है, बिल्कुल नहीं। गाइस इसने मुझे पूल में बुलाया, मैं पूल में तभी जाऊंगी जब मुझे इस डोनट में बैठने का अवसर दिया जाएगा। निकल नहीं पा रही हैं गाइस, ये मरमेड हमारी मरमेड। बाकी सब अच्छा है, सब चंगा जी, बाय बाय।